हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस, आज से करीबन कुछ दिन पहले मैंने मार्केट साइकोलॉजी कोडेक्स के मार्केट साइकोलॉजी के ऊपर मैं एक वीडियो कवर किया था, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और बहुत सारे बंदों ने कहा था कि भाई साइकोलॉजी के ऊपर और सारे वीडियोज़ बनाओ और सारे इसके पार्ट्स क्रिएट करो। तो गाइस देखो, मार्केट साइकोलॉजी पे ढेरों पार्ट्स पड़े हुए हैं। बहुत कुछ ऐसा है जिसको अगर आप रिकॉग्नाइज करने के लिए बैठोगे तो आपको अलग अलग तरह पे, अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मुझसे जितना बन पाता है मैं धीरे धीरे कवर अप कर रहा हूँ। सो वीडियो में आगे बने रहो और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आपके जो भी साइकोलॉजी से रिलेटेड डाउट्स होंगे आपको ये वीडियो में क्लियर होते जाएंगे। एंड कुछ भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करना है तो आप सीधा टेलीग्राम पर आकर के मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जा करके आप टेलीग्राम पर, वहाँ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो एंड वहाँ पर आकर के आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस पिछली बार जो हमने साइकोलॉजी में बात किया था कि मार्केट कौन से एसएनआर पर रिवर्सल देगा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मोमेंटम पे। ठीक है, जैसे ये एक सेलिंग का मोमेंटम है, ये एक बाइंग का मोमेंटम है, क्लियर दिख रहा है? तो मार्केट ने क्यों ये एक रेजिस्टेंस एसएनआर पे यहाँ पर रिवर्सल नहीं दिया? क्यों मार्केट इस जगह से पंप हुआ, यहाँ पर रिवर्सल नहीं दिया, इसको ब्रेक करके नीचे आ गया? तो यहाँ पे हम इसी मोमेंटम को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो पहली बात क्या है कि सबसे पहले मैं इस सबको हटा देता हूँ, और देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल क्या है कि मान लेते हैं एक रोड है, इस डायरेक्शन का एक रोड है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऐसे ही रोड चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक घर है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक बाइक है, ठीक है ना, क्या है, यहाँ पर एक बाइक है एंड इसको इस घर पे पहुंचना है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है, 100 की है, और वो 100 की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो आप सभी को ही पता, अगर इतनी स्पीड से ही आगे जा रहा है और इसको यहाँ पर रुकना है, तो अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करेगा एंड पहले 80 करेगा, लाइक 100 है, तो फिर 80 करेगा, फिर 40 करेगा, फिर 20 करेगा, फिर 10 करेगा एंड यहाँ पर आके गाड़ी को स्टॉप करेगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन क्या क्रिएट होता है कि यहाँ पर एक घर है, ठीक है, यहाँ पर कोई बाइक है, 100 पे क्या है, कोई 100 पे बाइक है, 100 की रफ्तार पे, और वो 100 की रफ्तार पे ही जा रहा है, बिल्कुल, मतलब कहीं भी स्पीड कम नहीं कर रहा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ही है पूरा। ठीक है, तो अगर उसको यहाँ पर रुकना और वो अचानक ब्रेक लगाएगा तो नो डाउट यहाँ पे उसका एक्सीडेंट होगा और वो इससे आगे गिरता हुआ आगे निकल जाएगा, और यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तब ये यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ पे इसका जो भी मलम पट्टी होने वाला है वो तो होगा। तो आपको दो कंडीशन समझ आया, पहला क्या कि अगर बाइक को घर पे रुकना है भैया, तो यहाँ पर उसको अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। अगर स्पीड में ही जा रहा है, अपनी स्पीड को कम नहीं कर रहा, तो नो डाउट इसका यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, ये अपने घर पे नहीं रुकेगा, ब्रेक करके आगे निकल जाएगा। तो इससे क्या समझ आता है, जस्ट लाइक इन द सेम सिनेरियो इन द मार्केट क्या होता है, जैसे मार्केट का एक एसएनआर पकड़ते हैं, मार्केट का ये एक एसएनआर है, कौन सा, ये एक एसएनआर है। एसएनआर से हमें क्या समझ आ रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, ये सपोर्ट की तरह भी काम किया यहाँ पे, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस की तरह भी यहाँ पे काम किया। ठीक है, अब जैसे मार्केट ने इस लेवल को टच किया, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, यहाँ से बाइंग ऊपर गया, मार्केट में यहाँ पर एक पिन बार कैंडल आई है। बहुत सारे बंदे इसे शूटिंग स्टार कहेंगे, बट नहीं, एज टू मी यहाँ पर इसका टिप निकला हुआ है, तो जैसे ही टिप निकल जाएगा तो ये एक पिन बार कैंडल में कंसिडर हो जाएगा। अगर ये यहाँ पर टिप नहीं होता तो ये एक शूटिंग स्टार कैंडल होता, ठीक है, एंड उसके बाद शूटिंग स्टार कहने मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है, या पिन बार कैंडल, इट मीन्स स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल है। तो मार्केट ने उसके बाद कंटिन्यूएशन दिया, मार्केट ने डाउन जाना स्टार्ट किया, बट गौर करो ये कैंडल को, ये कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो अगर बाइक मान लेता है 200 की रफ्तार में हो, तो अचानक से 20 की रफ्तार में तो नहीं आएगा, वो 200 से 100 होगा या 150 होगा, क्लियर है? तो मार्केट जब इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो अचानक से वीक नहीं होगा, जब इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो वो अचानक से वीक नहीं हुआ। इट मींस क्या है कि ये एक फेक कैंडल है, या फिर मार्केट ने यहाँ पर एक एरर अवेलेबल किया है, या एरर लेकर के आया है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद अगर कोई वीक कैंडल आती है तो नो डाउट वो एक फेक कैंडल है, बिकॉज अगर वो लेवल से रिजेक्ट भी खा रही है तो वो यहाँ पर रिवर्सल नहीं देगा, बिकॉज पीछे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, पीछे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। उसके बाद देखो, नो डाउट अगली कैंडल ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, क्लियर दिख रहा है? सेम सिनेरियो यहां पर है, मार्केट ऊपर उठता गया, यहां पे रेजिस्टेंस है, मार्केट को यहां पे रुकना है, मार्केट अपनी स्पीड कम भी कर रहा है ताकि यहां पे जाके रिवर्सल दे दे, और हम किस पॉइंट पे ट्रेड करते हैं, यहां पे। अब गौर करो, मार्केट में अचानक एक तगड़ा बाइंग कैंडल आ गया, मोमेंटम लूज हो रहा है, रेडी है कि इस एसएनआर पे रिवर्स करेगा, बट ये कैंडल ने क्या करा, इस गैप में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे दिया, और ये पूरा का पूरा एक एसएनआर में, सॉरी गाइस एक सेकंड, और ये एक पूरा का पूरा एसएनआर में कंसिडर होता है। ठीक है, तो जैसे ही एसएनआर पर एक तगड़ा मोमेंटम आ गया, जब
सिंपल है ना भाई, अगर आपको घर पे रुकना है तो यहाँ पे आपको अपनी स्पीड कम रखनी है, इस पोजीशन में आपको अपनी स्पीड कम रखनी है, बट जहाँ पर उसका डेस्टिनेशन है वहाँ पर उसका स्पीड बहुत बढ़ जाता है या फिर बहुत ही पावर में आ जाता है, तो नो डाउट वहाँ पे क्रैश होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो पीछे वीकनेस था, आगे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, यहाँ पे क्रैश हुआ मार्केट और मार्केट ने यहाँ पे फिर अपसाइड की रैली एक दे दी। ज़्यादातर प्राइस एक्शन के ट्रेडर इसको एरर कैंडल कहेंगे या फिर एक फेक कैंडल कहेंगे, जो भी कहेंगे। तो ये क्या है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के चक्कर में एक नेक्स्ट कैंडल बायर बनी है, उसका एक्सीडेंट होगा, मार्केट रुकेगा, फिर वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, अपने घर वापस आ सकता है, ठीक है, उसका मार्केट फिर चाहे तो ठीक ठाक होकर आगे बढ़ सकता है। तो एक छोटा सा मोमेंटम के ऊपर लेक्चर है, ये आपको हर जगह देखने को मिले। एक सेकंड, मैं अपने लैपी को कनेक्ट कर लेता हूँ चार्जर से, एक सेकंड वेट करना गाइस। जैसा मैंने कहा था कि मार्केट के अलग अलग सिचुएशन में अलग तरह से मार्केट काम करता है, आप यहाँ पर देख सकते हो सेम सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या था, मोमेंटम में अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को देखोगे थोड़ा सा जूम आउट करके, ठीक है, तो क्या दिखता है यहाँ पे मार्केट में, एक ओवरऑल लॉन्ग रेंज में करेक्शन वेव है। किस तरीके से, इस तरीके से करेक्शन वेव है, तो मार्केट अपने ट्रेंड लाइंस को फॉलो करेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस को बहुत कम करेगा, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है। इसलिए मार्केट बीच के एसएनआरस पे ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया ये बात। आपको यही चीज मैं अभी आपको जस्ट एक लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, ये क्या एसएनआर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था, और क्या बताया मैंने, अगर मार्केट को रुकना है तो स्पीड कम करेगा, एसएनआर रेडी है, मार्केट ने मोमेंटम स्टार्ट किया, और देखो कितना स्पीड जा रहा है, कितना स्पीड जा रहा है, ठीक है। तो जब इतनी स्पीड कैंडल जाएगी तो एसएनआर पे काम नहीं करेगा। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर था, लाइक नॉर्मल सा स्ट्रॉन्ग था, बट देखो यहाँ पर रिवर्सल नहीं आया, मार्केट ने कंटिन्यू कर गया। फिर बंदे बोलते कि भाई लेवल हमारा काम नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे लेवल से सेलर्स की एंट्री है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा, बहुत अच्छा लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ भी कलर चेंज है, यहाँ भी रिजेक्शन है, बट यहाँ पे काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट खराब है, इसका मतलब ये है कि आप मार्केट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहे। क्या कि मार्केट ने अपने मोमेंटम को स्ट्रॉन्ग किया है, तो मार्केट यहाँ कंटिन्यू करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। एंड गाइस हम यहाँ पे एक ट्रेड करने वाले हैं, करीबन मैंने दो ट्रेंड की एंट्री लगाई है अपवर्ड एक्शन में, और ओवरऑल मैंने बहुत ऊपर लगा दिया, बट आई होप कि मार्केट इस लेवल के भी ऊपर जाएगा। क्यों, बिकॉज एक पीछे बाइंग इम्पल्सन है और वो किसी लेवल पे नहीं रुक रहा, मार्केट ने लेवल ब्रेक करके एक रिवर्सल दिया, बट रिवर्सल आते ही मार्केट में यहाँ पर तगड़ा पंप आया था, तो नो डाउट मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यू करेगा और भी ऊपर जाएगा। देख लेते हैं क्या होता है, हमारा प्रोडिक्शन सही होता है या फिर गलत होता है, बिकॉज देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, लेवल पे काम नहीं हुआ, तो मार्केट नो डाउट बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। देखो अभी भी मोमेंटम में क्या हो रहा है, पंप आ रहा है, बाइंग पंप आ रहा है, मीन्स क्या है कि वो नहीं रुकेगा, ठीक है, देख लेते क्या होता है, वेट करके देखते हैं। करीबन कुछ सेकंड्स बचे हैं, देखो मार्केट ने उस लेवल का भी ब्रेकआउट किया, ठीक है, मतलब जहाँ पर एंट्री हुई थी, और देखते हैं लास्ट के 8 सेकेंड है, 7 6 5 4 3, और देख सकते हो मैंने क्या कहा था गाइस, अगर मोमेंटम है तो एट द एंड हमारा विनिंग होगा। इस मोमेंटम में आप ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप विन करोगे, ठीक है। तो मार्केट में जब भी आपको पंप मिले एंड लेबल हो और वहां पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो, नो डाउट रिवर्सल नहीं मिलेगा, और रिवर्सल नहीं मिला तो आप कंटिन्यूएशन के लिए चले जाओ। जैसे यहाँ पर रिवर्सल नहीं मिला तो आप कंटिन्यूएशन के लिए जाते हैं, देखो विन होते, अगर लॉस भी होता तो वन स्टेप से विन हो जाता, ठीक है। तो छोटा सा साइकोलॉजिकल पॉइंट था जो मैंने कवर अप किया, और आई होप आप समझ गए होगे कि मैंने क्या आपको समझाने का ट्राई किया है। दूसरा चीज गाइज क्या, कि अगर गाइज देखो क्या, अगर आप बाइनरी में लॉसेस करते परेशान हो चुके हो, तो गाइज मैं अपना एक वीआईपी ग्रुप भी रन करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं अपना एक वीआईपी ग्रुप भी रन करता हूँ, तो जिनको भी गाइज ज्वाइन करना होगा, तो छोटा सा प्रोसेस है, जाओ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को ज्वाइन करो, एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का छोटा सा प्रोसेस मिल जाएगा। प्रोसेस को कंप्लीट करो, फिर आप मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन कर लो, फिर वहां पर आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल्स मिल जाएंगे पर डे। तो मेक श्योर जाकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो एंड वहां पर आकर के वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करो। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, सो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल, ओके।